तो दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे एप्पल आईडी कैसे बनाएं। इससे पहले वाली वीडियो में इस हमारे जो आईफोन 14 प्लस हमने परचेस किया है इसका हमने सेटअप पूरा कर लिया था, सेटिंग कैसे करें वो आपको बताया था। अब हम देखेंगे इसकी एप्पल आईडी कैसे बनाएं, क्योंकि उस वीडियो में इसमें एप्पल आईडी जब सेटअप करा तब स्किप कर दिया था, तो अब इसकी हम एप्पल आईडी बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि नया आईफोन खरीदते हैं उसकी एप्पल आईडी किस तरीके से बनाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल है उसकी सेटिंग ऑप्शंस ऑन करना है, और साथ में हमको देखना है इसका इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देना है या फिर इसमें सिम डाली तो इसका इंटरनेट ऑन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई इसका ऑन कर रखा है। इसके बाद जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन टू फोन ऑप्शन दिखेगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्पल आईडी एंटर कर रहा है। अब एप्पल आईडी हमारे पास है नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें एप्पल आईडी हमारे पास है नहीं, अभी बनाने वाले हम, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड या डोंट हैव एन एप्पल आईडी इस पर हम क्लिक करेंगे। तो डोंट हैव एप्पल आईडी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट एप्पल आईडी, तो क्रिएट एप्पल आईडी हम क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे अब देखें आगे बढ़ते हैं इसमें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी ध्रुव के नाम से बना रहा हूँ, तो इसमें ध्रुव का नाम लिख देता हूँ DHRUB ध्रुव, यही है ना स्पेलिंग। और इसके बाद सैनी, ठीक है ध्रुव सैनी। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं, तो डेट ऑफ बर्थ डाल लेना आपको यहाँ पे। अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, यदि आप 13 साल से ऊपर के हैं तभी इसमें एप्पल आईडी बना पाएंगे, 13 से नीचे तो एप्पल आईडी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी इसमें। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके पास यूज़ फ़ोन नंबर या यूज़ ईमेल एड्रेस, तो आप फ़ोन नंबर से बना सकते हैं, यूज़ ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। तो हम यूज़ ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेते हैं ताकि उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी ओटीपी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ इसमें, ध्रुव की ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी, एक ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी को बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जो जरूरी नहीं है वह ईमेल आईडी इस मोबाइल में लॉगिन हो, आप किसी भी ईमेल आईडी डाल दें अपनी खुद की, उस पर ओटीपी जाने के लिए इसको यूज़ करना है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, इसमें पासवर्ड मांग रहा है ये, तो पासवर्ड ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमको यहाँ पे रखना है, जो कि हमको कभी भूलना नहीं, बाद में 8-10 डिजिट का पासवर्ड रखना है स्ट्रॉन्ग, तभी एप्पल आईडी बन पाएगी। और ये पासवर्ड भी आपको वैसे ध्यान देना है, इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक न्यूमेरिक नंबर आपका जो रहता है, ये सब मिक्स के कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ अभी, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड बना लिया, इसी को वेरीफाई करने री टाइप करना अगेन, वो कोई पासवर्ड सेम हो तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं अगेन टाइप कर लेता हूँ उसी पासवर्ड को, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब आपने इसमें पेस्ट कर लिया है, बना लिया है, इसको एक नोट करके रख लें अपने अकॉर्डिंग, या याद रखना आपको भूलना जाए बाद में, तो नोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, सीक्रेट इसको नोट कर रख लें। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखें यहाँ पे ये क्या, आपको एक फ़ोन नंबर मांग रहा है यहाँ पे, तो आप अपना फ़ोन नंबर इसमें टाइप कर दें, आपका जो है उस पर ओटीपी जाएगा इस कारण से। तो मैं भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे एक मैसेज ओटीपी जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस कोड को आपको इसमें देना है, क्या है, जैसे ये वेरिफिकेशन कोड जहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगा ये प्रोसेस इसकी होगी, ठीक है। इसको एग्री कर देंगे, एग्रीमेंट आएगा, साइनिंग टू आई क्लाउड, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका साइन होगा तो यहाँ पे पूछेगा इंटर आईफोन पासकोड, जो पासकोड हमने सेटअप करते वक्त बनाया था वह पासकोड यहाँ पे मांग रहा है, तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। जैसे पासकोड हम देंगे तो आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। इसके बाद इसमें आ गया है आपका, यहाँ पे एडिट हो गया है, ध्रुव सैनी आ गया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने का बोल रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे तो ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा, सेंड कोड, उस कोड को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उस कोड को आप जैसे सेंड ए न्यू कोड भेज दिया है, उस ईमेल आईडी बोलेगा यहाँ पेस्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है आईडी पे, मैं दूसरे मोबाइल नंबर में थी आईडी, उसमें से मैं देख के पेस्ट करता हूँ 594524। फाइंड माई आईफोन 11 अलाउ यू टू लोकेट इसका, ठीक है। ये हो गया आपका,
तो दोस्तों इस तरीके से पूरा फ़ोन का सेटअप हो गया है और एप्पल आईडी हमारी बन चुकी है। अब हम इस आईफोन को यूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड आपको याद रखना है और इसका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा बनाया था वह भी आपको हमेशा याद रखना है या अच्छे से लिख के रख लेना है। तो आई होप आपको एप्पल आईडी कैसे बनाए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मतलब शेयर करें। इसी प्रकार की टैक्स रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।